ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें हम। क्या मेरा क्या हिसाब है साहब? ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे यार ये है वो है, जो हालियत हमारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना। अच्छा। ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालियत हिसाब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा मुझे बताएं? क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये देखे, मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुंच गए? एक बंदा जब अच्छा काम करेगा देख के सब करेंगे ना। आप खुद करें तो आपको देख के बाकी भी सब करेंगे। मुझे देख के फ्रांस कैसे दुपट्टा लेना शुरू कर देगा मुझे ये बताएं? पहले आप पाकिस्तान को देखो ना, फ्रांस को छोड़ दो। चलो मेरी बात सुनो, मेरे दुपट्टे का ताल्लुक वास्ता क्या है भाई? आप लोग मेरे दुपट्टे के पीछे क्यों पड़ गए हो? भाई आप लोग तो बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो, पहले खुद लो। मेरे पर्दे का जवाब दे, मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, ठीक है, मैंने इसका जवाब देना था ना, तो मैंने दूर लोगों से बताया। मैंने इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, इसे आप जहालत कहते हो? ओ पागल जी, पाकिस्तानी वाम तुसी लवो हां, अभी दुपट्टा लेता सारी वाम तो नुवे रही, तुसी अंजी दुपट्टा लोगो सारे चले जानगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इंडियन दोस्त और आप देख रहे हैं इंडियन प्रो रिएक्ट्स। जी हां दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान के बारे में। जी हां, उन्हीं पाकिस्तान जाहिल लोगों के बारे में जिन्होंने बुरखे को लेकर घमासान छिड़ गए। वहीं फ्रांस है, वहां पर बुरखे को लेकर जो हिजाब होता है उसे पहनने पर, जो स्कूली बच्चे होती है उसे पहनने पर स्कूल में बैन लगा दिया है। और एक और जहां पाकिस्तान में सना अमजद एंकर है, उन पर जो पाकिस्तानी जाहिल है उन्होंने अटैक किया है कि वो भी बुरखा पहने। और क्या है पूरा मामला, चलिए जानेंगे पूरे वीडियो में, वीडियो को देखिए एंड तक। जी हाँ, जहां पाकिस्तानी महिला एंकर है उन पर भी जो है जाहिल लोगों ने हाथ उठाए, तो वीडियो को देखेंगे एंड तक। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका भाई ऐसे नॉलेज और एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो लेके आता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सदाम हुसैन। सदाम क्या करते हैं? ये काम करता हूँ, ये अंडा टिक्की का। अंडा टिक्की का काम करता है। अच्छा, आपको पता है फ्रांस ने, फ्रांस में जो मुस्लिम बच्चियां स्कूल और कॉलेजेस जाती हैं उनके गाउन के ऊपर, अबाया के ऊपर बैन लगा दिया है कि फ्रांस में स्कूल कॉलेजेस जाने वाली लड़कियां जो हैं वो अब अबाया नहीं पहन सकती। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा क्या हिसाब है साहब? ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे यार ये है वो है, जो हालियत हमारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना। अच्छा। ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालियत हिसाब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब। जहालत ही है ना, ये हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना, तो इस्लामी मुल्क में हम ये ऐसे फिरते हैं ये जैसे कोई गैर मुस्लिम फिरता है, ठीक है ना। तो ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा, ये मुझे आपको देख ही नहीं अच्छा लगा। उनको तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं। मैं तो आपसे ये पूछ ही नहीं रही हूं कि मैं आपको अच्छी लगी हूं या नहीं लगी। मेरा तो सवाल ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी लगी, मैं आपके ना आपने दुपट्टा नहीं लिया। अगर आपने दुपट्टा लेके ये बात करती तो शायद और सूट करती, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपसे ही बात, सवाल ये तो मेरी मर्जी है कि भाई मैं दुपट्टा सर पे लूं ना लूं, आप कौन होते हैं मुझे तनकीद करने वाले दुपट्टे के ऊपर? नहीं कर रहा मैं ये, आप लोगों को बताना चाहता हूं। अच्छा। कि हम उनकी बातें करते हैं कि वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने कुछ करना ही करना है, ठीक है ना। हम तो इस्लामी मुल्क है ना, ये हमारा तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है कि हम सर पे दुपट्टा रखें। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा मुझे बताएं? क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये लेके, मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका दुपट्टा इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुंच गए? तो लो जी, मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया। अब मुझे दुपट्टे के पहले आप अपना देखना, ठीक है, और दुपट्टा लेके देखना, ठीक है ना। ये देखना, ठीक है ना, ये देखना है। ये नहीं होता कि चांद पे जाना जरूरी होता है। तो मेरी बात सुनो ना, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, ठीक है, वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे तो उन्हें कोई नहीं कहता कि आप ये करें आप वो करें। वहाँ पे लड़कियों को अगर हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए या कोई एक आधा वाक्य हो जाए तब आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं। देखिए, एक और से देखा जाए तो फ्रांस ने जो अबाया पर बैन लगाया, बुरके पर बैन लगाया कि स्कूल जाने वाली लड़कियां जो बुरका नहीं पहन सकती। देखिए, स्कूल एक एजुकेशन संस्थान है, वहाँ के अलग अलग नियम होते हैं। वो स्कूल वाले या फिर एजुकेशन संस्थान ये चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट एक सरीके दिखे या फिर सारे अनुशासन में रहे, तो यही कारण हो सकता है फ्रांस में जो बैन लगा दिया गया हो। हम बात कर रहे हैं फ्रांस में ना, जो मुसलमान बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेजेस जाती हैं उनके दुपट्टे के ऊपर बैन लग गया। उन्होंने कहा जी स्कूल कॉलेजेस जाने वाली लड़कियां अब बुरका नहीं पहनेंगी, उबाया नहीं पहनेंगी। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहूंगा, सबसे पहले आप खुद तो ले, आपने खुद लिया नहीं, तुमको कह रही है पहले आप दुपट्टा लेंगी तो फिर लेंगे ना। देखो मेरी बात सुनो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप दुपट्टा लेना चाहते हैं, आप गाउन पहनना चाहते हैं। लगना चाहिए ये बैन पाकिस्तान में भी लगना। अच्छा बात सुने तो सही, बैन किस चीज का? पता है आपको बैन किस चीज का लगा है? जिस चीज का आप कह रही हैं ना, किस चीज का बैन पाकिस्तान में भी लगना चाहिए। मैं ये बैन क्या लगा है? उन्होंने कहा जी बुरके नहीं पहनेंगी, नहीं पहनेंगी, ये बैन लगा है। तो फिर पहन, आप अपना पहनना शुरू कर दो। मेरे पहनने से क्या होगा? बात तो सुने, कह
कैमरे पे आके पूरी बात ही नहीं करते, गायब हो जाते हैं। एक बंदा जब अच्छा काम करेगा देखते सब करेंगे ना, आप खुद करे तो आपको देख के बाकी भी सब करेंगे। मुझे देख के फ्रांस कैसे दुपट्टा लेना शुरू कर देगा, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान को देखो ना, फ्रांस को छोड़ दो। मेरी बात सुनो, मेरे दुपट्टे का ताल्लुक वास्ता क्या है भाई, आप लोग मेरे दुपट्टे के पीछे पड़ गए हो। भाई आप लोग बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो, पहले खुद लो। हाँ, एक और दुनिया आगे बढ़ रही है, पूरा विश्व तरक्की कर रहा है। जिस तरीके से भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया, उसी जब अगर पाकिस्तान की बात करें बुरखे को, तो बुरखा अगर पहने पर बैन लगाया गया या फिर फोर्स किया गया, तो आजादी हमें किस प्रकार की आजादी मिली है? अगर हम अपना खुद का कुछ भी नहीं कर सके तो आजादी किस बात की? अगर आप अपनी स्वतंत्रता से बुरखा पहनना चाहते तो पहन सकते, नहीं पहनना चाहते नहीं पहन सकते। वहीं सना अमजद जो पाकिस्तानी एंकर है, उसको वहां के जाहिल पाकिस्तानियों द्वारा हाथ उठाकर या फिर उन्हें धमकाकर बोला गया कि आप भी अपने जो इस्लाम मजहब का पालन नहीं कर रहे तो आपको भी बुरखा पहनना चाहिए। ऐसे में सलाम जो बुरखा पहना, खैर आगे आप वीडियो देखिए। कितनी बहनें हैं घर में? एक ही करती है जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फ्रांस के बारे में पता है? फ्रांस मुल्क है, अंग्रेज मुल्क है, ऐसे बैन लगा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उधर उनका कल्चर उनके साथ, हमारा कल्चर हमारे साथ। ठीक है, हम अपना करेंगे तो बाकी मुल्क देखेंगे, ठीक है, वो उनका अपना कल्चर उनके साथ, हमारा हमारे साथ। इंडिया में बहुत सारी मुसलमान लोग रहते हैं, मुसलमान माएँ बहनें हैं जो दुपट्टा भी करती हैं और हिजाब भी करती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऐसा वाक्य होता है ना, उनकी गवर्नमेंट तो उनका साथ देती रहती, आप लोग भी आवाज़ उठाते हैं। मुझे तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं दुपट्टा ले लूँ, मैंने ले भी लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब लोग यहीं के यहीं खड़े हैं, कोई गायब नहीं हुआ, कोई जिन भूत नहीं था जो दुपट्टा लेने से मेरे गायब हो गए। उनकी गवर्नमेंट तो है ही बेशरम है ना, वो तो उनको कहेंगे। सर आप आगे आइएगा, आप मुझे थोड़े पढ़े लिखे वेल एजुकेट लग रहे हैं, आगे आइएगा जरा, ऑन कैमरा आइएगा, आगे आए आगे। जो बंदा सही बात करता है ना, उसको इस मुल्क से निकाल दिया जाता है। एक बंदा कहता है मैं पानी वाली मोटरसाइकिल बनाऊंगा, दूसरे दिन उसको मार दिया जाता है। एक बंदा आइटम बम बनाता है किसी मुल्क के लिए, अगर अच्छा काम करता है उसको दूसरे दिन मार दिया जाता है, तो ये किस मुल्क का हुआ? हम अपने मुल्क में आजाद नहीं है। क्या नाम है सर आपका? रिहान। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, बेसिकली आप यहाँ पे मजमा देख रहे होंगे, लोग कितने मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, आप तक खबर पहुंची होगी, फ्रांस ने जब मुसलमान स्कूल जाने वाले बच्चियों और बच्चियाँ उनके बुरकियों के ऊपर, उबाय के ऊपर बैन लगा दिया कि वो अब वहाँ पे पर्दा नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर इस मुद्दे से अनफॉर्चुनेटली बात करने आ गई हूँ, तो ये जितने भी यहाँ पे मर्द खड़े हुए हैं, नौजवान खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, इतना सा बच्चा है शायद उसे पता भी ना हो औरत चीज़ क्या होती है, सब लोग मेरे दुपट्टे पे तनकीद करना शुरू कर गए कि आप जो है वो दूसरे के दुपट्टे को डिफेंड करने आ गए, आपने खुद सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दुपट्टे का उन लोगों से क्या ताल्लुक वास्ता, क्या मेरे दुपट्टा लेने से फ्रांस की लड़कियों को दुपट्टा करने की इजाज़त मिल जाएगी? बहुत सारी आप माशाल्लाह वेल एजुकेट लग रहे हैं, आप पढ़े लिखे माशरे में उठते बैठते होंगे, यहाँ पर लड़कियाँ पैंटे शर्टें भी पहनती हैं, हर तरह की ड्रेसिंग करती हैं, लेकिन यहाँ पर खड़ा हर बंदा सिर्फ मेरे दुपट्टे के ऊपर तनकीद कर रहा है, फ्रांस को भूल गया। ठीक है, पहले तो किसी सूरत भी जो है ये समझ से वाला दर बात है कि आपके दुपट्टे का फ्रांस के अंदर लिए गए इकदाम के साथ क्या ताल्लुक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली मेरा कंसर्न ये है कि अगर उन्होंने ये बैन लगाया है, बैन शुडंट बी लाइक दिस, बैन ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक उनकी पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि हाँ भी एवरी सिंगल पर्सन शुड बी आइडेंटिफाइडेबल, हर बंदे की जो है वो पहचान हो सके कि कौन क्या है। ओके, इफ़ यू आर इन रोम डू व्हाट द रोमन डू, ठीक है, आप अगर वहाँ पे मुखालफत करेंगे ऑब्वियसली वहाँ की हुकूमत आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लेगी, तो बेहतर ये है कि आप अपना आप जो है वो अपने असार को महफूज रखें, ठीक है। सर असल में फ्रांस वो मुल्क है जहाँ पर इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, फ्रांस इस वक्त जल रहा है, फ्रांस में इस वक्त दंगे फसादात हो रहे हैं, मुसलमानों पर जो है पाबंदियाँ वहाँ पर लगाई जा रही हैं, वहाँ पर माहौल मुसलमानों के लिए नासाजगार हो रहा है, और मेरा ख्याल है ये हमारा अपना किया धरा है। इस्लाम एक वो मज़हब था जिसका प्रचार जो है वो पहले पूरी दुनिया में होता था, तमाम दुनिया बड़ी इंस्पायर थी, लेकिन आज दुनिया इस्लाम के नाम से खौफ खा रही है, जहाँ पे मुसलमान नज़र आ जाए उसकी ऐसे चेकिंग की जाती है, उसको बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। हमसे अच्छे तो हिंदू हैं, किसी बाहर के मुल्क में चले जाएँ तो हिंदुओं को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है और पाकिस्तानियों को उतना ही डिग्रेड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारे सो कॉल्ड मुसलमानों ने अब इस्लाम के नाम पर इतनी चीज़ें फैला दी हुई हैं, इतना उल्ट मुल्ट और गलत मलत चीज़ें, मैं समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से पाकिस्तानी लोग हैं वो सलाम जिसके साथ सलूक कर रहे थे, उन्होंने दुपट्टा न पहनने पर या फिर फ्रांस में दुपट्टा बैन को लेके जो सवाल किए थे, खुद वहाँ के पाकिस्तानी जाहिलों ने सलाम जिद को खुद ऐसे धमका कर बोला है कि आप भी दुपट्टा पहना करो, और यहाँ पर खुद पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसी को आज़ादी नहीं है, अगर वो आज़ादी से कोई भी अच्छा काम करे तो उसे अगले दिन डराया जाता है, धमकाया जाता है, या फिर हो सके तो उसकी अगले दिन मौत भी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान है उसमें कुछ अलग अलग आपको ये पाकिस्तान के लोगों के पब्लिक रिएक्शन देखने को मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई ऐसी वीडियोस पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन के ऊपर लाके आता रहता है, वहीं आपको नॉलेज भी मिलता है और आपको एंटरटेनमेंट भी होता रहता है। तो खैर मिलता है ऐसी नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।